भाजपा के जो जीते हुए नुमाइंदे हैं वो बच रहे हैं सरकार को दोष देने? बिल्कुल बच रहे हैं, वो कभी दोष ही नहीं देते हैं। आप खुद ही तो सोचो, आज तो उनका बयान आता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा खफा हूँ। आप बताओ एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों खफा होना है? एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल होता है? उसके पास फंड आएगा, वो आगे फंड देगी, फंड तो सरकार रिलीज करेगी ना, सेंट्रल सरकार से आएगा तो आगे चलेगा, जब वो दे नहीं रहे हैं तो आगे कहाँ से आएगा? टीटीडीसी किस पे बैठा है? प्रोटेस्ट पे। स्टूडेंट कहाँ पे है? प्रोटेस्ट पे। बाकी डिपार्टमेंट देखो, प्रोटेस्ट पे। कोई एक ऐसा बंदा बताओ जो प्रोटेस्ट पे ना हो। आप कांग्रेस में रहे हैं, आप एनसी में अब हैं, तो ये उन्हीं की तो देन है ये डेली वेजर्स, जो इनकी समस्या बनाई किसने है? भाजपा का तो ये कहना है अब पश्चाताप हमें करना है। चाइना से मदद लेने की बात होगी तो समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? अब पार्टी गलत लेवल पे कुछ फैसले लेगी तो हम पार्टी के खिलाफ भी जाएंगे। हमारे नंदा साहब को ये जरूर सोचना चाहिए कि सबसे पहली प्रेफरेंस, अगर आप एक अच्छे लीडर के रूप में बाहर आना चाहते थे या हैं, हमारा शान थी किला, आज वो खंडर बना हुआ है, इसको देखना उनका काम था, क्योंकि वो विधायक रहे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसका बहुत कम वर्कर रियासी में था, लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा है। नमस्कार, कुछ दिन पहले युवा कांग्रेस से त्यागपत्र देकर एनसी में शामिल हुए नितिन मुकेश हमारे साथ हैं। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासी के प्रधान पवन जी हमारे साथ हैं। इन दोनों से बातचीत करते हैं और ऐसी क्या चीज़ें थी जिनसे वो परेशान थे, जिस कारण उन्होंने युवा कांग्रेस से त्यागपत्र देकर एनसी को ज्वाइन किया। नितिन जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट में। मैं शुक्रिया करता हूँ रियासी अपडेट का, जिन्होंने आज रूबरू करवाया है जनता के साथ। नितिन जी, हमने देखा कि जिस दिन आपने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की, उससे कुछ दिन पहले ही आप युवा कांग्रेस की तरफ से ही प्रदर्शन कर रहे थे और महंगाई के खिलाफ बोल रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि आपने अपनी पार्टी ही बदल दी और वो लोग जो आपको देख रहे थे एज ए अपोजिशन कि आप उनकी आवाज़ बनेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे युवा कांग्रेस के जरिए के माध्यम से, एकदम आपने पार्टी बदल दी, ऐसा क्या हो गया और आप कैसे लोग आप पे विश्वास करेंगे कि आप एनसी में भी रहेंगे या फिर कल को कोई और पार्टी बदलेंगे? आपने सही बात पूछी है कि पहले हमारा एक प्रोटेस्ट होता है जो कि महंगाई को लेकर था। उसके नेक्स्ट डे ही मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी कांग्रेस की जो पोस्ट थी मेरे पास असेंबली वाइस प्रेसिडेंट की। ये जो अगर मैं सारा मैटर खोलने पे आऊँ तो लंबा जाएगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट में बताऊँगा। मैं पिछले 1.5 साल से पार्टी के लिए और पार्टी को 100% दिया है मैंने अपना। मैंने पार्टी के लिए काम करने में मतलब अपनी तरफ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं 10% करूँगा, 20%, पूरा 100% पार्टी को दिया है। वहाँ पर स्टेट प्रेजिडेंट थे हमारे उदय वानु चिप, 1 साल से मेरी पोस्ट पेंडिंग पड़ी थी यूथ असेंबली प्रेसिडेंट की। अब कहना अच्छा नहीं लगता कि बार बार पोस्ट चाहिए, क्योंकि कहकर ली तो वो अच्छा नहीं है। हमने काम कर दिखाया, काम के अकॉर्डिंग अगर बंदा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। प्लस रही बात लोगों की कि लोग कैसे विश्वास करेंगे कि हमने आज उनका दामन छोड़ा तो कल हम इनका भी छोड़ सकते हैं। मैं एक बात सबको क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पार्टी कोई भी होगी लेकिन ये जो आवाज़ है ना, आवाज़ ये जो पहले थी ये आज भी वही है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। छोड़ सकते हैं ये पार्टी भी? छोड़ नहीं, ये पार्टी तब देखो ना, अब अगर इस तरह का कोई बीच में लगता है कि आपको कि आप वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे आपको होना चाहिए, जहाँ मतलब उस तरह का रियासी की डेवलपमेंट, तो पार्टी को नहीं लगा होगा कि किसी बड़े पद के लिए सही व्यक्ति हैं, पार्टी को नहीं लगा होगा आपको पद नहीं दिया होगा। और आपने कहा कि आपने पार्टी के लिए बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य किया, कौन सा ऐसा कार्य किया? आप सोशल मीडिया के अलावा तो आप दिखते नहीं, अब कोई बड़े मुद्दे उठाते हुए ग्राउंड जीरो पे तो आप कभी दिखे नहीं, सोशल मीडिया से लगातार आप आवाज़ उठाते हैं, शायद पार्टी को यही लगा होगा कि आप उस पद के काबिल नहीं है, शायद इसीलिए देर कर दी। सही बोला आपने, बट मैं आपको बताऊँ कि हम वो हैं जिन्होंने टोल प्लाजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा है, कांग्रेस पार्टी एक वो पार्टी रही है जिस टाइम पे मैं पार्टी में था। कितनी बार प्रोटेस्ट किया? अब मैं कहूँ तो मतलब वैसे तो काफ़ी टाइम किया, 5-10 बार तो किया ही है। आपके समर्थक भी ज़्यादा, आपकी सपोर्ट में ज़्यादा लोग भी नहीं दिखते, जब आपने प्रोटेस्ट की बात की तो प्रोटेस्ट में भी कुछ लोग होते थे, चंद लोग होते थे, आपके तो साथ लोग भी नहीं हैं, तो ऐसे में आप इतनी अपनी आप को अहमियत दे रहे हैं कि पार्टी ने आपको पद नहीं दिया, इस पर कैसे मान लें कि एक आप बड़े नेता है, पार्टी को आपको बड़ा ओहदा देना चाहिए था? मैं आपको क्लियर करूं पहले कि बड़ा नेता बनने के लिए आपको गैदरिंग की ज़रूरत नहीं है, पहले आप अपनी आवाज़ पे आओ कि आपकी आवाज़ कहां तक पहुंच सकती है। हम वो हैं जिन्होंने मतलब रियासी में एक संघर्ष समिति बनी थी टोल प्लाजा के अगेंस्ट, हम सब ने मिलकर उसमें मतलब पार्टिसिपेट किया है, वो समिति हमने मतलब साथ में रहकर चलाई है। उस समिति के रहते हम माननीय हमारे के शर्मा जी जो कि एडवाइज़र हैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के, उनके पास तक गए थे
जबकि हमें वहाँ से भी कुछ नहीं मिला था। एट लास्ट हमने हर एक लीडर से रिक्वेस्ट की थी कि टोल प्लाजा के अगेंस्ट आप हमारा साथ दीजिए। बाकी मैं रियासी की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि रियासी की जनता साथ हो ना हो, लेकिन हमारा हक है, हमारा जो फर्ज है वो अगर बुराई हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। मुझे ये नहीं देखना कि मेरे पीछे 50 बंदे खड़े हैं तो ही मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। मेरी आवाज़ पहले भी वैसी ही थी, आज भी वही टोन होगी और टोन कभी बदलेगी नहीं। मैं जब भी कुछ बुरी चीज़ देखता हूँ ना अंची जी, मेरा खून खोलता है। आज रियासी के अंदर युवा इतना बेरोजगार है, इतना बेरोजगार। हम एनसी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ था, हम साथ में रहकर लोगों के बीच में गए। जब कहीं उसी दौरान तो नहीं उनके लोग आपको पसंद आ गए और आपने फैसला तभी कर लिया था कि अब एनसी में। मैं बताता हूँ, जब हम लोगों के बीच में जाते थे तो वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया ही कुछ ही नहीं है कि मतलब हम अपने बच्चों को भी उनके साथ भेजें। आप खुद ही सोचो ना, लोगों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हों और उनको हम अपने साथ चलाएं। वो राजनीति नहीं करनी है हमें, वो राजनीति करनी है कि युवा रोजगार के साथ हो, फिर वो पार्टी के साथ हो, फिर मजा आता है युवा को जोड़ने का। अब मैं बोलूं, हजारों युवाओं को लेकर 500 रुपया उनकी बाइक में तेल डलवाकर जो पार्टीज करती हैं वैसा कर, कौन सी पार्टी करती है ऐसा? अब मैं एक इंडिविजुअल पार्टी पे ब्लेम नहीं करूंगा। क्यों डरते हैं क्या आप नाम लेने से? बात डरने की नहीं है, जो मतलब इनडायरेक्टली बेस मैं जिसको कह रहा हूँ उसको समझ होनी चाहिए कि अगर आपको किस बात का डर है? अगर नाम ले लेंगे, आपने अगर आरोप लगाए तो स्पष्ट तौर पे आरोप लगाए। मैं स्पष्ट तौर से ही आरोप लगा रहा हूँ कि जिस तरह से रैलियों में स्टूडेंट विंग जाती है, मतलब आप अभी पीछे ही एक रैली हुई थी, बीजेपी की रैली थी, मैं उसको बताता हूँ, युवा जोड़ो रैली, वहाँ पे ही मीडिया के द्वारा जब सवाल पूछे गए थे तो लोगों को पता भी नहीं था कि हम प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं। सबसे बड़ी बात, हम प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे वर्कर को पता होता है कि ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के अगेंस्ट चल रहा है। मीडिया क्वेश्चन कर रही है कि आप यहाँ पे कैसे आए हैं, तो उनको पता ही नहीं था कि हम क्यों आए। तो इट मीन्स कि आप उनको किसी ना किसी बहकावे में लाकर जाएं, मतलब मैं उसको क्या समझूंगा, कुछ ना कुछ करके आप उसको बीच में ला रहे हैं। बट मैं आपके माध्यम से सभी यो पेरेंट्स रियासी के मुझे सुन रहे हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं उनसे ये कहूंगा कि ठीक है, आपने जैसे बताया कि आपके साथ इतने लोग भी नहीं थे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसका बहुत कम वर्कर रियासी में था, लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा है ये पूरी मीडिया में। तो कहीं ये तो नहीं लगा कि अब उसमें भविष्य नहीं है आपका, कोई टिकट नहीं मिलेगी आपको, या फिर जीतेंगे नहीं, टिकट मिल भी गई तो क्या इसलिए तो नहीं छोड़ा एनसी का भविष्य, हो सकता है ऐसा आपको लगा हो? बात भविष्य की नहीं होती है, बात यह है कि जब हम घर से बाहर आते हैं ना, मुश्किल दौर में कांग्रेस है, आपने उसको साथ छोड़ दिया, उसका दामन छोड़। मैं बता रहा हूँ, जब तक हम अपना घर साफ नहीं करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता हम देश के उद्देश्य को कभी मतलब सफाई की राह पे ले सकते हैं। हमारी पार्टी छोड़कर आपने पार्टी को साफ किया? मैंने पार्टी छोड़कर पार्टी को साफ नहीं किया, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, जिसका मतलब एनसी पार्टी, जिसको मतलब हमारे आज ये यूथ प्रेसिडेंट पवन जी मेरे साथ हैं, इनके साथ बाबू जगजीवन लाल जी थे जिन्होंने डीडीसी की इलेक्शन हमारे रियासी से जीती हुई है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस उनसे भी यही थी कहना, मतलब जब ज्वाइनिंग के समय मैंने उनसे कहा था कि यूथ की एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है, दूसरा टोल प्लाजा। पहले हम दो ही मुद्दों को लेकर बाहर आएंगे, उसके बाद जो आगे की रणनीति है वो बड़ी जल्द बनेगी। तो जो एनसी की तरफ से बयान आते हैं कश्मीरी वोट हासिल करने के लिए या जिस भी लिए, जिसके भी लिए, अपने फायदे के लिए, तो क्या आप उनका भी समर्थन अब करेंगे? अंची जी, हम उनका समर्थन करेंगे जो अपने देश के हित में बात करेगा, हम उनका समर्थन करेंगे। चाइना से मदद लेने की बात होगी तो समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? मैं अंची जी आपको वही बता रहा हूँ, चाइना हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है कि हम उसकी तारीफ करेंगे या उसकी तारीफ। पार्टी के नेता एक बार फिर बोलेंगे, आप समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? सीधा सा सवाल है, समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? पार्टी के खिलाफ जाएंगे आप? जब पार्टी गलत लेवल पे कुछ फैसले लेगी तो हम पार्टी के खिलाफ भी जाएंगे, ये मतलब अपना सोच है। हम ये नहीं कहते कि पार्टी के बिल्कुल ही अगेंस्ट होकर बात कर रहे हैं, ये जरूर कह रहा हूँ आपसे कि अगर पार्टी का कोई फैसला गलत होता है, कोई मतलब ऐसा है कि जो देश हित में नहीं है, तो उसके खिलाफ जाएंगे। अदरवाइज अगर पार्टी देश के हित में फैसले करती है तो पार्टी के साथ खड़े होने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पार्टी के उस वर्कर के साथ जुड़े हैं, मतलब उस लीडर के साथ जुड़े हैं जो लीडर ग्राउंड टू अर्थ है। बाबू जगजीवन लाल जी, बाबू उनसे आप मिलोगे ना, मतलब खुद एक ऐसा फील आता है कि हम एक ऐसे नेता से मिल रहे हैं जो हमारी तरह है। लेकिन विधानसभा की चुनावों में तो उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा, अगर लोगों से जुड़े हैं तो वोट क्यों नहीं? अच्छी जी, उसकी कुछ इंटरनल कुछ बजा रही होगी जिसमें मैं था नहीं, तो मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं। लेकिन अब की बात मैं बता सकता हूं कि बाबू जगजीवन लाल एक ऐसे पहले लीडर होंगे रियासी के अंदर जो कि रियासी डिक्लेरेशन बड़ी जल्द करने वाले हैं और आपके माध्यम से होगी। दूसरा, टोल प्लाजा पे बाबू जगजीवन लाल जी टोल प्लाजा पे प्रोटेस्ट करेंगे, रियासी हेडक्वार्टर में नहीं। ये उनका कहना है कि अब जो प्रोटेस्ट होगा सीधा टोल पे होगा। तीसरा, जो रेलवे की कंपनियां
जो नई नई रियासी में आई हुई हैं, ये बाबू जगजीवन लाल जी का उनको सीधा सीधा वार्निंग समझ लो या उनसे प्रार्थना समझ लो। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द ठीक 10-12 दिन के अंदर अंदर अगर ये जो कंपनीज नहीं आई हुई हैं ये लोकल लोगों को रोजगार नहीं देंगी तो इनके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। हमारे यूथ प्रेसिडेंट साथ में है, बाकी जो की जो रणनीति है वो ये बता देंगे। ये वन टोल प्लाजा का मामला ऐसा मामला है, मैं पिछले काफी सालों से इसे कवर कर रहा हूँ, जब से ये टोल प्लाजा लगा हुआ है लोग लगातार आवाज बुलंद करते हैं, आपने भी आवाज उठाई है जाहिर तौर पर। क्या लगता है क्यों हल नहीं हो रहा? एक मामला है जिसे बार बार जनता बोलती है कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, टोल देने के लिए लोग तैयार हैं लेकिन इतना ज्यादा टोल देने के खिलाफ है। क्या लगता है क्यों मामला हल नहीं हो रहा? और आपके एनसी के नेता जो आप जीते हुए हैं पहले कहां थे, पहले क्यों नहीं आवाज बुलंद करते थे इस मुद्दे को? हाँ जी जी, जो पावर में होता है ना, मेरा तो सबसे पहला ये मानना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो काम करने की है ना उसकी होती है जिसके पास पावर है। नहीं, अभी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं ना, तो आपके नेता के बारे में आपको पूछ। हमारा काम आवाज को बुलंद करना है, आवाज उठाना है, आगे उसको सरकार सुन रही है कि नहीं सुन रही है अनदेखा कर रही। आज पूरा रियासी त्राहीमाम कर रहा था टोल प्लाजा के रेट से। आज हमने सरव सिंह नाका आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू सुना है, 280 रुपये उन्होंने वहाँ एक साइड से दिया हुआ है। बड़े शर्म की बात होती है कि जब रियासी आना होता है 280 रुपये हम टोल पे करते हैं ना, ये मतलब कहीं किसी हद तक ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक नाजायज मतलब व्यवहार किया जा रहा है। सरकार में बैठे लोग कभी देखो इतने बड़े बड़े बयान करते हैं, भाषण तो इनके सुनने होते, मतलब इतने बड़े बड़े हैं कि युवाओं को जोड़ो, युवाओं को जोड़ो। मैं तो आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ सारे जो भी सरकार में बैठे हैं, जहाँ की उनके जो वर्कर यहाँ पे आकर बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं उनको आपके माध्यम से मैसेज करना चाहता हूँ, आपको ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए जिसके जरिए रियासी की डेवलपमेंट हो। रियासी का किला खंडर बना हुआ है, कालका मंदिर जाओगे वहाँ के पीछे की रोड खराब पड़ी हुई है, वहाँ पर लाइट नहीं है, रात को किसी ने जाना हो वो प्रॉब्लम है। बाकी हमारे इतने देवस्थल हैं रियासी में कि मतलब अगर बात कर गिनाने पे आऊं तो काफी ज्यादा हैं। मैं सबको एक एक नाम लेकर नहीं कहता, बट इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपको युवाओं को जोड़ना भी है ना तो उस तरीके से जोड़ो कि रियासी की डेवलपमेंट हो। मजा तब आता है जब रियासी हमारा हरा भरा होगा, रियासी में टूरिज्म होगा। पूर्व जो राज्य मंत्री हैं वो भी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनके फोटो डालते हैं लेकिन ऐसे फोटोज वो भी नहीं डालते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूर्व मंत्री हैं उन्हें भी कंसर्न होना चाहिए, उन्हें भी ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जो जिन्हें समस्याएं पैदा होती हैं लोगों को। प्रधानमंत्री उनके हैं, होम मिनिस्टर उनके हैं, प्रधानमंत्री तो देश के हैं, देखो पार्टी उनकी है ना, मैं ये बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री उनके, गृह मंत्री उसके साथ साथ आप हमारे रक्षा मंत्री प्लस आपके एलजी साहब भी उन्हीं की पार्टी के मतलब अभी तो जो पावर में है उन्हीं के साथ ही हैं। हमारे नंदा साहब को ये जरूर सोचना चाहिए कि सबसे पहली प्रेफरेंस अगर आप एक अच्छे लीडर के रूप में बाहर आना चाहते थे या हैं तो आपका सबसे पहला जो काम था वो रियासी की डेवलपमेंट थी। रियासी के जो हमारा शान थी किला, आज वो खंडर बना हुआ है, इसको देखना उनका काम था क्योंकि वो विधायक रहे हैं, उनका काम है इसको इनॉग्रेट करवाना है। यहाँ की जो लाइट्स रात को देखते थे हम, इतना अच्छा व्यू आता था, आज वो व्यू भी देखने को नहीं मिल रहा है। बड़े शर्म की बात है कि हमारी रियासी की जो लीडरशिप है वो लैक ऑफ लीडरशिप है। मैं सीधे शब्दों में कहूँगा कि जो पावर में बैठे हैं उनको काम नहीं करना है, बस बातें सुनानी है। बातें आप कितनी भी करवा लो, क्योंकि हम दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका क्या है कि ब्लेम करने हैं। कोई ऐसी पार्टी बची नहीं है जिसको उन्होंने ब्लेम नहीं किया है। मजा तब आता है आप ब्लेम करने की बजाय उनको साथ लेकर काम करवा दो, डेवलपमेंट करा दो, मजा आएगा काम करने। तो आप क्यों नहीं सवाल करते थे उन्हें? अपोजिशन का काम क्या होता है सवाल करना ना, जब विकास नहीं हो रहा है, जब उनका कार्यकाल था या अब भी अगर प्रशासन के जरिए पूरी सत्ता ये चल रही है तो आपका सवाल उठाना काम था। आप भी सोशल मीडिया से तो बाहर आते नहीं। हाँ जी जी, हम सोशल मीडिया में भी आवाज उठाते थे, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से भी आवाज बुलंद की है। जब डीसी मैडम के सामने वाला रोड की बात थी तो डीसी मैडम को एक ट्वीट हुआ था जिसके बाद मैडम का मतलब ऑन स्पॉट रिप्लाई आता है। आज इनके देखो तो फिर आप सभी मुद्दों पर क्यों नहीं ट्वीट कर देते? सभी मुद्दे हल हो जाएंगे। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो डीसी मैडम से थोड़ा बाहर हैं, जो कि उन तक नहीं है। वो खुद कहती हैं कि टूरिज्म का जो मामला है वो टूरिज्म ही देखे तो अच्छा रहता है। मेरा जो काम है मैं वो कर रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम लिखा भी था कि किले की जो हालत है बहुत खस्ता हालत है, मैडम इसके बारे में आपको कुछ करवाना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से ये ट्वीट आया था कि मैं बात करूँगी टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि इसको थोड़ा सा किया जाए। चलिए अब रियासी के ज़िले की भी बात करूँगा, लेकिन हेडक्वार्टर रियासी के ऐसे कौन से 5-7-8-9 मुद्दे हैं जिन्हें आप लगातार उठाएंगे और हल करवाने की कोशिश करेंगे एज ए अपोजिशन भी या फिर डीडीसी मेंबर आपके जीते हुए हैं उनके जरिए भी? सबसे पहला जो है एम्प्लॉयमेंट है,
सबसे पहली बात उस पर ही करूँगा, दूसरा हमारे रियासी की स्वच्छता की बात करूँगा, तीसरा टूरिज्म डिपार्टमेंट पे एकदम ध्यान दिया जाएगा, चौथा अगर कोई यहाँ पे किसी तरह से भी हमारा जो बिजनेस अपग्रेड हो सकता होगा उसके लिए कुछ ना कुछ रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे, बाबू जगजीवन लाल जी के साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे कि किस तरह से रियासी का जो बिजनेस है वो डेवलप हो सकता है, किस तरह से हम यात्री को रियासी में भी ला सकते हैं, क्योंकि हमारा कालका मंदिर मतलब हम कहेंगे भी तो बहुत कम रहता है, हमारी जुबान इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा उनका दरबार है। हम माँ कालका से भी ये विनती करते हैं कि रियासी एक ऐसा शहर होना चाहिए जिसकी मिसाल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातों में रह जाए और काम कुछ ना हो। मैं आपके माध्यम से सारी लीडरशिप को मतलब अभी ये तो कहना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर हूँ कहना पड़ा, मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं बाबू जगजीवन लाल जी, आपके माध्यम से बड़ी जल्दी आज नहीं तो कल, अभी उनका वो वहाँ पे जो DDC की जो चल रही थी अब वो वापिस आने वाले हैं, बड़ी जल्द एक दो दिन में वो आएंगे, उन्होंने ऐसी डिक्लेरेशन करनी है जिसका ट्रेनिंग तो खत्म हो गई। सराफ सिंह नाग जी भी आ गए, अब वो क्या वो जो आरोप लगते थे उनपे कि जम्मू रहते हैं तो क्या अभी भी जम्मू? सर हमारा बोलना उनकी प्रेजेंस है, हम उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये वो उनकी प्रेजेंस है, हम उनको कहकर ही काम करते हैं, जो वो कहते हैं हम वही काम करते हैं। और दो बार वो अभी आकर गए हुए हैं यहाँ से, हर बार उन्होंने मतलब यहाँ पे जो पानी के मसले थे, रोड के मसले थे, आए क्या आलम है के बाद दो बार आए हैं और आप उससे संतुष्ट हैं कि दो बार आके वो चले गए? अंची जी ठीक, दो दिन के बाद वो रियासी में होंगे और आपके चैनल पे होंगे, ये मैं मतलब आपको विश्वास दिलाता हूँ, और ऐसे की जनता के साथ होंगे। डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ है पवन जी। पवन जी क्या कुछ मुद्दे हैं जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी उठाना और हल करवाना, क्योंकि जो DDC मेंबर हैं वो आपके हैं और वो लगातार ये दावा भी करते आए हैं कि वो जिला हेडक्वार्टर से जीते हैं और पूरे ज़िले के जो मसले होंगे वो उन पर नज़र रखेंगे और उन्हें कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्याएँ जो हैं वो कम हो सके। पहले नमस्कार करता हूँ सबको रियासी अपडेट का। बात आई कि जूथ की, मैं हूँ जूथ प्रेसिडेंट, ठीक है, मैं हर गांव में जा रहा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ, हर जूथ के साथ जुड़ रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ लिख के घर में बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है उनको, कोई भी रोजगार, कोई इंजीनियर बैठा है, कोई कैसे बैठा है। अभी तो मैं जा रहा हूँ गाँव में, देख रहा हूँ लोगों की समस्या। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे हमारा वर्क पूरा हो जाएगा, ये अब हम वर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, बड़ी जल्दी उनके मसले हल करवाएंगे। ठीक है जी जी जी। नितिन जी क्या कहना चाहेंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे जो तमाम ये मुद्दे हैं, या फिर इस समय हम रियासी के भीमगढ़ में एक ऐतिहासिक धरोहर में खड़े होकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं और यहाँ की हालत देख कर भी काफ़ी शर्म आती है, क्योंकि जब टूरिस्ट आता होगा और यहाँ की दशा और दिशा देखता होगा तो शर्म की बात कहीं ना कहीं सभी रियासी वालों के लिए है। या फिर इसके अलावा भी जो तमाम मुद्दे हैं उस पर क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी आदरणीय DC मैडम जी से, क्योंकि उन्हें हमेशा, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो भी मतलब मुद्दे रहे हैं, मतलब चाहे मैं उनको ट्वीट करके बताता था, व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताए हैं, उन्होंने उनको हल करवाया है और हमेशा हुए हैं। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ भीमगढ़ पे खड़े होके यहाँ पे आकर मतलब मैडम से ये कहना चाहता हूँ कि मैडम जो हमारे भीमगढ़ किले की जो हालत है बहुत ही खस्ता हालत है, आज यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, बड़ी शर्म आई है देखकर कि आज टूरिस्ट यहाँ पे आकर इतना मतलब थोड़ा सैड होकर गया है कि यहाँ पे क्या है देखने वाला। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम प्लीज़ इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें, हमारा जो भीमगढ़ किला है इसको रिपेयर करवाएं, उसके साथ साथ जो इसकी खूबसूरती है ना उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। चाहे शौचालय और भोजनालय भी काफ़ी सालों से बने हुए हैं, इमारतें अब पुरानी भी हो रही हैं, अभी तक खुली नहीं है वो। अच्छा जी, मैं आपके माध्यम से हमारे DDC सरव सिंह नाग जी जीते हैं और रियासी की जिम्मेवारी आज उनके ऊपर है, मैडम के साथ वो बैठे ही हैं, मतलब मैडम एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलरेडी बैठी हुई थी लेकिन अब DDC भी हैं हमारे चेयरमैन सरव सिंह नाग जी। मैं आपके माध्यम से उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आपका जो DDC का जीतना था वो आज आप चेयर पे हैं, वो तो खुद धरने दे रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें कम पावर्स दी। मैंने एक बार मीडिया में इंटरव्यू करा था कि जब DDC इलेक्शन थी उससे पहले मैंने ये कहा था कि इलेक्शन होनी नहीं चाहिए, मैं उसका विरोध करता हूं। आपके नेता सुनो ना, मैं बता रहा हूं देखो आज इलेक्शन होने के बाद बड़ी शर्म आती है कि DDC किस पे बैठा है, प्रोटेस्ट पे। स्टूडेंट कहाँ पे है, प्रोटेस्ट पे। बाकी डिपार्टमेंट देखो, प्रोटेस्ट पे। कोई एक ऐसा बंदा बताओ
जो प्रोटेस्ट पे ना हो, कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बता दो। डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस में रहे हैं, आप एनसी में अब हैं, तो ये उन्हीं की तो देन है ये डेली वेजर्स, जो इनकी समस्या बनाई किसने है। भाजपा का तो ये कहना है पश्चाताप हमें करना है, जो पाप किया था वो तो पुरानी सरकारों ने किया। जी जी, उनका काम था रोजगार देना, उन्होंने दिया था। बच नहीं सकते ना उन सवालों से भी, मानते ना आपकी 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 गलती, आपकी गलती है ना। डेली वेजर जिस तरह से ना उन्हें स्पष्ट किया गया कि वो कितनी सैलरी पे काम करेंगे, रेगुलर किया जाएगा या ना, सिर्फ लारे लगा के उन्हें रखा गया, आश्वासन पे आश्वासन दिए गए, जिस कारण वो ना जॉब छोड़ी उन्होंने, और जब जो उन्हें सैलरी मिल रही है उससे उनके घर वालों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा, कई सारी डेली वेजर की मृत्यु भी हो गई है। किसी को रोजगार देना मुझे नहीं लगता कहीं पे भी गलत है। तो सैलरी क्यों नहीं देते आप, रोजगार दिया अगर तो सैलरी देना क्या उस पे पालन पोषण हो सकता था। सैलरी देना डिपार्टमेंट का काम है, सरकार का काम है, उनका नहीं जिन्होंने लगवा दिया। मेरे पास अगर कोई जॉब लेने आ रहा है, मेरा काम है रेलवे में किसी एक भाजपा का काम है कि उनको रेगुलराइज किया जाए, उनको रेगुलर किया जाए। आपने क्यों नहीं किया? हमारी आपने पार्टी आपकी सरकार, आपके तो दो दो पार्टी है ना, एक कांग्रेस पुरानी पार्टी, एक एनसी जिसको आपने ज्वाइन किया है। और हमारी एक पार्टी है जिसका नाम एनसी है, कांग्रेस में मैं रिजाइन दे चुका हूं और भाई रिटर्न और रिजाइन दिया है। वो दोनों पार्टियों की बात आप कर रहे हैं, जहाँ आप रहे हैं कांग्रेस में और अब एनसी में है, वही जम्मू कश्मीर में ज्यादातर सत्ता में रही है और कांग्रेस सरकार जो है केंद्र में सत्ता में रही है, तो ये मसला क्यों हल नहीं किया? ये सवाल आपसे, अब अगर मैं इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ तो अभी सवाल आपसे ही बनेगा। मानते हैं ना कि गलती है पुरानी सरकार, मानते हैं आप इस बात को? पिछले 10 साल से सरकार पावर में बैठी है, बड़े शर्म की बात है कि एक छोटा सा काम था उसे वो करवा नहीं पा रहे हैं, और जो जितनी गलतियां थी वो सारी की सारी कांग्रेस पे उठा के डाल रहे हैं। वो टाइम था जिस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाल ली थी, तब हमारे शहर में मुझे नहीं लगता था कि हम कहीं बक्कल वाली साइड गाड़ी जाती थी ना तो लोग बोलते थे कि गाड़ी आई है, पता नहीं क्या चीज आ गई है। तब कांग्रेस का दौर था, आज की डेट में तो सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, इस पे राज करना है। तो फिर क्यों छोड़ी आपने कांग्रेस? हमने कांग्रेस, मेरा कुछ इंटरनल भी रहा होगा आंची जी, वो तो मैं अब बार बार एक पॉइंट पे आके बात करूंगा तो वो भी मेरे लिए ठीक नहीं है। आपने कहा कि कांग्रेस ने विकास किया, फिर क्यों आपको छोड़ने? नहीं, कांग्रेस ने विकास किया है, लेकिन अब कांग्रेस क्या कर रही है मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मुझे अब वो बात करनी है जिस पार्टी में मैं हूँ, मैं उससे रिलेटेड आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा। जनता उम्मीद करे कि एक सक्षम विपक्ष का जो भूमिका होती है वो आप निभाने जा रहे हैं? बिल्कुल निभाने जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे इस बार, क्योंकि आज तक की डेट में आपने देखा है कि टोल प्लाजा पे कोई भी लीडर बात नहीं की है खुल के, किसी लीडर ने भी जब भी कहा है तो डीसी मैडम के लिए कहते थे कि हम डीसी मैडम से मिले हैं, डीप कॉम से मिले। आप सोचने वाली बात है, जो काम केंद्र सरकार का है उसको आप डीसी मैडम पे क्यों डाल रहे हो? आज देखो डीडीसी उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात होती है मीडिया में वो क्या बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुर्दाबाद है। बड़े शर्म की बात है यार, इलेक्शन सरकार करा रही है, पावर सरकार देगी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आपको देगी ना, जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ होगा तो वो आपको देगी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ हुआ ही नहीं तो वो आपको कैसे पावर देंगे? मैं आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीडीसी तो आपने बनाया, 3-tier system बनाया है, पंचायत एक्ट आपने लागू कराया है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द जो ये आपने 3-tier system बनाया ना, इसको एक पावर देकर सिस्टम बनाए ताकि जनता के काम हो, क्योंकि जनता पिसे ना। हमारा काम, जनता का जो काम था वोट डालना था, अब जनता को ऐसा लगता है कि हमने अपना अंगूठा काट कर दे दिया है, हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ समझो इसके बिना काम नहीं कर सकता बंदा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोसने की बजाय अगर आप सीधी उससे बात करेंगे ना जो सरकार में बैठा है, जो पावर एडमिनिस्ट्रेशन को देगा। भाजपा के जो जीते हुए नुमाइंदे हैं वो बच रहे हैं सरकार को दोष देने? बिल्कुल बच रहे हैं, वो कभी दोष ही नहीं देते हैं। आप खुद ही तो सोचो, आज ही तो उनका बयान आता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा खफा हूँ। आप बताओ एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों खफा होना है? एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल होता है? उसके पास फंड आएगा, वो आगे फंड देगी, फंड तो सरकार रिलीज करेगी ना, सेंट्रल सरकार से आएगा तो आगे चलेगा, जब वो दे नहीं रहे हैं तो आगे कहां से आएगा? सीधा सीधा मैं मतलब अपनी मतलब सरकार को ही कोसता हूं कि सरकार अगर 3-tier system बनाना चाहती थी तो अच्छे तरीके से बनाना था, ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करें। देखो इतने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च करे रेलवे के, हर घर घर से रेल जाएगी जी, लोगों को रोजगार मिलेगा। कौन सा रोजगार दिया है? बीजेपी के जीते हुए विधायक यहां पे रहे हैं, उसके साथ साथ पावर में बैठे हुए, देखो इनके भी डीडीसी भी इनके ही हैं। मैं तो चाहता था कि मतलब इनके जीतते ही इतनी खलबली हो जाएगी कि राशि का जो युवा है वो रोजगार की तरफ बढ़ेगा। आज सारा जुआ बेरोजगार घूम रहा है, नशे की तरफ जा रहे हैं। अब मैं मतलब बातें गिनाऊंगा तो बहुत ज्यादा होंगी, मैं आपके माध्यम से बस इतना कहना चाहूंगा
कि हमें अगर पावर मिली है ना तो हमें उसको जल्द से जल्द बरतना चाहिए, लोगों की मतलब लोगों की सहायता में लगा देना चाहिए, मतलब लोगों के लिए काम कर देना चाहिए ताकि आने वाला टाइम आपको वोट मांगने ना जाना पड़े, लोग खुद बोलेंगे हमें इस बंदे को वोट नहीं, नहीं कर रहे हैं, अपने इस्तेमाल नहीं कर रहे पावर का और लोगों के काम नहीं कर रहे, आप क्या उनको पावर ही नहीं है तो इस्तेमाल कहां से करेंगे? आप कह रहे हैं ना जो पावर मिली नहीं, जो अभी वो देखो चेयर पे तो बैठे ही हैं, चेयर की भी एक अपनी पावर है, कुछ तो वो कर सकते थे, हलचल तो होनी चाहिए। मैं तो मेरा ये कहना है जो रियासी हेडक्वार्टर से जीते हैं वही काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं मैं ये भी नहीं बोल रहा, वो भी नहीं कर रहे, नहीं वो कर रहे हैं अपनी तरफ से, उनका जितना बनता है वो उतना कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क तो वो करेंगे। चलिए चलिए पवन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे बड़े मुद्दे रहेंगे जो आप कोशिश करेंगे कि उठाएं और हल करवाने की कोशिश करें, जो दो चार ऐसे मुद्दे बताइए जो आपके प्रायोरिटी पर रहेंगे, जो आपको लगता है कि इस समय बड़े मुद्दे हैं, जनता काफ़ी परेशान है उन मुद्दों को लेकर। मुद्दे तो सबसे पहले मेरा मुद्दा यही है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा यही रहेगा कि जो रेलवे आई है, जो पहले आई थी उधर काफ़ी लड़के लगे थे, काफ़ी लोग काम कर रहे थे, हम ये चाहते हैं कि जो नई कंपनी अभी आई वो कुछ नहीं कर रही है, डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं, बोलती हैं जी डॉक्यूमेंट्स दे दो, ठीक है जी, बच्चा आता है बड़ी खुशी से डॉक्यूमेंट्स दे के चले जाता है, उसको बोलता है 2 महीने के बाद आ जाना, तो 2 महीने के बाद आता है वो बोलता है अभी नहीं 4 महीने के बाद आ जाना, ठीक है, 4 महीने के बाद दोबारा जाता है, अभी ये वैकेंसी नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, उनको टाल मटोल करके निकाल दिया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है रियासी के, पहले ज़्यादा एक्टिव हमने आपको नहीं देखा, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ हैं वो भी ज़्यादा हम जिले में नहीं देखते हैं, या फिर बात करें हेडक्वार्टर रियासी की तो नहीं देखते हैं, भाजपा की बात करें तो तमाम रैली शैलीस या मीटिंग्स बैठकें तमाम चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आपकी उस तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसे में कैसे लोगों तक आप पहुंचेंगे और लोगों को जोड़ेंगे? जो हमारे सीनियर हैं, ठीक है, हमारे से सीनियर भी हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो तो मेरे को लगता है वो एक्टिव रहे, मैं तो अभी आया थोड़े दिन पहले, तो मेरे को लगता है उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छे एक्टिव रहे वो, लोगों के बीच में गए, अभी भी वो जा रहे हैं, पहले भी काफ़ी लोगों के बीच में रहे वो, ठीक है, हमारे राजकुमार सरपंच जी हैं वो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, वो तो काफ़ी अच्छा रोल रहा उनको रेलवे में, काफ़ी उन्होंने अच्छी एम्प्लॉयमेंट दी, तो आगे भी वो करेंगे ऐसा। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासी जिले के युवा प्रधान पवन जी, और इसके साथ ही नितिन मुकेश जी, इन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं, इन्होंने कहा कि जो भी नेता हैं उन्होंने जो अपना काम है सही से नहीं किया है, रियासी का विकास जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से उसकी गति नहीं है, और तमाम समस्याएं लोगों को इस समय पेश आ रही हैं, बनटोल प्लाजा का मुद्दा हो या फिर भीमगढ़ किले की जो हालत है उसका मुद्दा हो या फिर इसके अलावा तमाम अन्य जो मुद्दे हैं उस पर जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो काम जो नेता हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने नहीं किए हैं। अपने अंदाज में नितिन ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं और हमारे सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।